नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भागलपुर में अनंत चतुर्दशी पर्व धूमधाम से मनाया गया। दिन दहाड़े दो पक्षों में हुई झड़प, एक महिला सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल, दो की हालत नाजुक। पुलिस कप्तान क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक करने में थे व्यस्त। 18 लाख छात्रों का इंतजार हुआ खत्म, नीट यूजी का रिजल्ट हुआ जारी। बरहनाथ में गार्ड की हत्या के दूसरे दिन एसएसपी ने घटनास्थल पर की जांच। चलती कार में लगी अचानक आग, अफरा तफरी का माहौल। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया गया धूमधाम से। भगवान विष्णु को समर्पित पर्व अनंत चतुर्दशी भागलपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। युवक और युवतियों ने उपवास रखकर कलश पर अस्त्र दल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया। कच्चे सूप से बने 14 गांठ वाले अनंत की पूजा कर लोगों ने अपनी आस्था जताई। कथा सुनकर घर में सुख शांति, वैभव और यश की कामना की। कथा के बाद पुरुषों ने दाहिनी और महिलाओं ने भुजा पर पीले रंग के अनंत का धागा बांध मिष्ठान व पकवान खाए। वही पुजारियों ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई है। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रुपए में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। दिन दहाड़े दो पक्षों में हुई झड़प, एक महिला सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल, दो की हालत नाजुक। पुलिस कप्तान क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक करने में थे व्यस्त। एक तरफ जहां वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम भागलपुर के सभी थानों के थानेदार के साथ शहर के क्राइम पर लगाम लगाने को लेकर बैठक करने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर शहर में दो पक्षों में जमकर झड़प हुई, जिसमें एक महिला सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ताजा मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोड़ा गेट के समीप जमीनी विवाद का है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोड़ा गेट के समीप जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर हुई झड़प में एक महिला सहित पांच लोग घायल हो गए। घायलों में दो की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के बाबत घायल छोटू चौधरी ने बताया कि इसाचक पासी टोला निवासी, उसका बड़ा भाई पिंकू चौधरी कोटा गेट स्थित एक प्राइवेट स्कूल में अपने बेटे को छोड़ने बाइक से गया हुआ था। इसी दौरान स्कूल से वापस लौट रहे उसके भाई पर कैलाश चौधरी, मनीष चौधरी और रोहित चौधरी ने अपने सहयोगियों के साथ धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दिया। छोटू चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना पर जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो उन लोगों ने धारदार हथियार से उसे भी घायल कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष से घायल हुए राहुल चौधरी ने बताया कि कालू चौधरी के परिवार से 8 डेसिमल जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और कोर्ट ने उसके पक्ष में जजमेंट भी दे दिया है। बावजूद इसके कालू चौधरी का परिवार जबरन जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था। इसी दौरान पिंकू चौधरी, छोटू चौधरी और उसके सहयोगियों ने उसके माता पिता, भाई और उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट की घटना में उसके परिवार के 4 लोग घायल हो गए। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। एक तरफ जहां श्रीनिकेतन अपार्टमेंट्स की गुत्थी भी नहीं सुलझी थी, कि दूसरा मामला फिर शहर में दो गुटों में मारपीट का सामने आ गया। अब सीधे सवाल प्रशासन पर उठता है, आखिर अपराधी इतना बेलगाम क्यों? प्रशासन का खौफ अपराधियों पर आखिर क्यों नहीं है? क्यों अपराधियों के सामने प्रशासन घुटने टेक रही है, या फिर जंगल राज प्रवेश का संकेत तो नहीं? मामला यही है, जमीन का मामला है। मेरा यहाँ 8.5 डिसमिल जमीन है। हम केस जीत चुके हैं कोर्ट से और थाना वाला सबको पैसा मिला के यहाँ हम लोग को जब हम लोग कब्जा करने आते हैं तो उन लोग का आदमी मारता है, करू चौधरी और राजेश मंडल का आदमी। अभी क्या हुआ? अभी मारा राजेश मंडल का आदमी सब मिल के हम लोग का परिवार को पूरा। अभी वही हुआ था, वो आया था दखल करने, उसको हम लोग भगाए यहाँ से। उसका 50-25 गो आदमी आया, हम लोग को मारा पूरा परिवार को। हम लोग का जमीन है, क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार। हुआ मेरा पापा जी को मारा और मेरा भाई को, मेरा माँ को और हमको भी मारा है यहाँ पे। छोट किसका पापा का नाम है कैलाश चौधरी और भाई का नाम रोहित रितेश कुमार और मम्मी का गुड़िया देवी। पुलिस आई थी, पुलिस के सामने मारा तो वो लोग चले गए यहाँ थाना, मेरा भाई ले कर गया, कुछ नहीं बोला। पुलिस तो घूस लेती है, पैसा लेती है ना, क्या बोलेगी? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मेरा भाई स्कूल का बच्चा छोड़ने के लिए गया था, उधर से आने के क्रम में मेरे भाई को मारा पूरी तरह से जान लेने के।
नियत से। उसके बाद हमको पता चला, हम भाई को गाड़ी, मेरा भाई का वहाँ पर पड़ा हुआ था, हम गाड़ी लेने के लिए गए। उसी क्रम में मेरे ऊपर कैलाश चौधरी का बेटा रोहित चौधरी, मनीष चौधरी, ये सब जो है मेरे ऊपर हसुआ से वार कर दिया। पता नहीं मेरे हमको क्या चीज़ से मारा आपको? हसुआ से। भाई का क्या नाम है? मेरा भाई का नाम टिंकू चौधरी हुआ, मेरा नाम छोटू चौधरी हुआ। थाना क्षेत्र और लोधीपुर थाना क्षेत्र के बीच लड़ाई का मामला आया, दो गुट में झड़प हुई है, कई लोग घायल हुए। देखिए अभी हम लोग को ये सूचना मिला है पुलिस का, इतना है साक्षक और लोधीपुर का ये मामला है। देखेंगे कि अभियुक्त जो भी दोनों पक्ष हैं, कौन से थाना क्षेत्र में घर है, कहाँ के वो बाशिंदे हैं, और जैसे कि बताया कि वो जमीन का कोई मामला है और उसमें लड़ाई झड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग थाना को निर्देश दे दिया गया है, दोनों थाना को निर्देश दे दिया गया है, तो वो जाके मायागंज जो है उसको लेके, जो भी इंजर्ड है पहले उसका हाल पता करें और अच्छा ट्रीटमेंट उसका कराएं, और जिसने भी ये कृत्य किया है उस पर हम लोग कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे और उसको प्राथमिकता देंगे। 18 लाख छात्रों का इंतजार हुआ खत्म, नीट यूजी का रिजल्ट हुआ जारी। आगाज इंस्टीट्यूट भागलपुर के कई बच्चों ने मारी बाजी, संस्थान के निदेशक ने सफल बच्चों को फूलमाला पहनाकर व मिठाइयां खिलाकर दी बधाइयां। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2022 का परिणाम घोषित कर दिया गया। आगाज इंस्टीट्यूट भागलपुर के कई बच्चों ने इसमें बाजी मारी, सफल बच्चों के संस्थान के निदेशक ने फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही साथ सभी शिक्षकों ने चयनित हुए बच्चों को आगे भविष्य में अच्छा करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। बताते चले कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट 2022 के परिणाम घोषित होने के बाद आकाश इंस्टीट्यूट में मानो खुशियों का सैलाब आ गया हो। बच्चे रात से ही अपने रिजल्ट को ऑनलाइन चेक करने में व्यस्त दिखे। 18 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है, नीट यूजी के रिजल्ट भी घोषित कर दी जा चुकी है। वहीं आकाश इंस्टीट्यूट भागलपुर के एकेडमिक हेड नौशाद हसन ने अन्य बड़े शहरों की अपेक्षा भागलपुर आकाश इंस्टीट्यूट के बच्चों ने अच्छा रिजल्ट किया है, उम्मीद करता हूं आगे भी इससे अच्छा रिजल्ट बच्चे देंगे। वहीं आकाश इंस्टीट्यूट भागलपुर के नीट 2022 के रिजल्ट में सफल छात्र कुमार शुभम ने बताया कि आकाश की पढ़ाई अच्छी है और यहां के रूटीन से अगर बच्चे पढ़े और मेहनत करें तो सफलता उसके कदम चूमेगी। साथ ही उन्होंने अपने और अन्य दोस्तों के लिए कहा कि जरूरी नहीं कि आप 16 से 18 घंटे पढ़े, अगर आप 8 से 10 घंटे भी मन लगाकर पढ़ते हैं, सच्चे लगन से पढ़ते हैं, तो वही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। मैं नौशाद हसन, एकेडमिक हेड मेडिकल आकाश भागलपुर, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आकाश भागलपुर शहर से इनक्रेडिबल रिजल्ट रहा है इस साल। और जो बच्चे छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं, इस परिणाम के बाद अब वो ब्रेक लगेगा, वो स्पार्कल जो यहां हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं घर के माहौल में, सर वो बाहर संभव नहीं है। कई बच्चे जो बहुत अच्छा कर सकते थे बाहर गए और भीड़ में खो गए, यहां बच्चों ने शानदार परफॉर्म किया है, बेहद शानदार परफॉर्म किया है, और यहां जो है बाकी बड़े सेंटर्स के मुकाबले सफलता का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। मैं इस पूरी सफलता के लिए इंटायर आकाश भागलपुर टीम को बधाई देता हूं, पूरे मेडिकल टीम को बधाई देता हूं, खासतौर से डॉक्टर उमेश कुमार सर, अरुण कुमार चौधरी सर, एकेडमिक हेड इंजीनियरिंग प्रणय आलोक सर, इसके अलावे फाउंडेशंस में सारे लोग, इंजीनियरिंग के सारे लोग, मैनेजमेंट के स्टाफ, सभी लोगों का बहुत योगदान रहा है बच्चों की सफलता में, क्योंकि ये 2 साल की तपस्या होती है बच्चों का, जिसमें हर दिन क्लासरूम प्रोग्राम, फिर फोर्टनाइटली टेस्ट, फिर टर्म टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, AITS, और फिर सर आखिरी सर 40 दिनों में 60+ टेस्ट सर फाइनल टेस्ट सीरीज में, जो बच्चों को बेहतर सफलता की तरफ ले जाता है। टोटल कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं आपने? यहाँ हमारे पास जो टोटल एपीयर्ड स्टूडेंट थे 178 थे, जिसमें से अभी तक जिन बच्चों के रिपोर्ट हमें मिले, कई सारे बच्चों तक अभी पहुंच नहीं पाए, आपको पता है रिजल्ट रात के 12 बजे आया है, और 138 बच्चों में से 108 बच्चे क्वालिफाई किए हैं नीट। अभी हमारे पास 40 बच्चों का असेसमेंट आना है और ये नंबर श्योर बढ़ेगा। इसमें 550 प्लस 27 बच्चे हैं, 550 प्लस 27 बच्चे हैं, और 600 प्लस में
13 बच्चे, ये नंबर बढ़ेगा, श्योर बढ़ेगा, क्योंकि अभी कई बच्चों तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपका ठीक है, ये बताइए कि शहर से जो ग्रामीण इलाका हो, सुदूर हो, दियारा हो, या जो भी स्टूडेंट है, जो पुअर होते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो बाहर कोटा जाते हैं या और भी स्टेट जाते हैं पढ़ाई के लिए, क्या यहाँ आकाश इंस्टीट्यूट भागलपुर में किस तरह सुविधाएं मिलेगी जो बाहर नहीं जाएंगे? इस साल एनथे के लिए हम लोगों ने 2000 बेटियों के लिए अलग से एक प्रोग्राम चलाया है, जिनको मुफ्त शिक्षा देंगे। आप अपने जो सफलता का प्रेरणा दायक कैसे छात्रों को देंगे, किस तरह से अपना संदेश देंगे आप? मैं यही बोलना चाहूंगा कि सब बच्चे को कि जो वो पढ़ते हैं वो अच्छे से पढ़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम उनका पढ़ने से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पढ़ सके, और ज्यादा दूसरी चीजों में वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि वो एक ही चीज पर फोकस रख सके। फोकस रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और जो ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं वो अपने आप को मोटिवेट करके धीरे धीरे लाइन पर आके कोशिश कीजिए, एक साल या दो साल प्रैक्टिस करते करते उनका भी सबका अच्छा हो जाएगा। आकाश संस्थान से कहाँ तक आपको लाभ मिला? आकाश का अच्छा है कि यहाँ के जो टीचर्स है वो ज्यादा अच्छा है, वो डाउट क्लियर भी कर देते हैं, जब भी अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम होते तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं टाइम पर, और यहाँ की जो यहाँ का क्लासरूम कोर्सेज जो है वो भी अच्छा है, वो एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करता है, साथ में आकाश के मॉड्यूल को भी सर ज्यादा अच्छे से समझाते थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे, कभी कभी सर खुद से क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट बना के देते थे ताकि बच्चों का ज्यादा नॉलेज क्लियर हो। आपका एम क्या? मैं शुभम हूँ, मेरा ऑल इंडिया 1394 आया है, मार्क्स 671 आया है, या मैं आकाश भागलपुर 2 ईयर मेडिकल कोर्स का स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत मदद मिली मेरे पेरेंट्स से, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, यहाँ के टीचर्स से जो मुझे मोटिवेट करते थे और टाइम टू टाइम मेरा नॉलेज और मेरा मोयर हाई रखते थे, घर से सपोर्ट मिलने के साथ साथ यहाँ दोस्तों और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था, जो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ के टेस्ट भी बहुत अच्छे थे, जिसके कारण टाइम टू टाइम आपका नॉलेज कीप अप रहेगा, यहाँ के पैकेज और मॉड्यूल सब इंफॉर्मेटिव है, जो ठीक तरह से नॉलेज देते हैं और एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल था मेरे सक्सेस के पीछे, जिनके कारण मैं आज इतना आगे आया हूँ। वो मुझे हर वक्त जब भी घर में डिमोटिवेटेड लगता था तो वो मेरे साथ देते थे, ऑनलाइन प्रोग्राम में भी यहाँ के टीचर्स आकाश भारती की टीम मेरे साथ थे, ताकि ऑनलाइन में भी अच्छे से डिलीवर किया जा सके स्टूडेंट को नॉलेज। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे जो इतना सफलता मिली आपको? मैं एक दिन में किसी बच्चे को 12 से 16 घंटा पढ़ने के लिए तो नहीं बोल सकता, पर जितना भी देर पढ़ते हैं उतना अच्छे से पढ़िए, जैसे कम से कम 8 घंटा से 10 घंटा पढ़िए, जो मन लगा के कंसंट्रेशन से पढ़ सके। बूढ़ानाथ में गार्ड की हत्या के दूसरे दिन एसएसपी ने घटनास्थल पर की जांच। गार्ड के मोबाइल की कॉल डिटेल से खुल सकता है हत्या का राज। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के चंडी प्रसाद लेन स्थित श्रीनिकेतन अपार्टमेंट के गार्ड पुरुषोत्तम कुमार की गला रेत कर हत्या मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे। वहीं अपार्टमेंट का बारीकी से मुआयना किया। वहीं गार्ड रूम सहित हर एक बिंदु पर बारीकी से जांच करते हुए उन्होंने बताया कि हत्याकांड को लेकर कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं जांच के दौरान गार्ड रूम से सारी बाल्टी में पानी के साथ मोबाइल भी बरामद किया गया है। वहीं एफएसएल की टीम के द्वारा भी कई चीज जांच के लिए इकट्ठा किए हैं। वहीं पुलिस कई बिंदुओं पर बारीकी से एक साथ जांच कर रही है। गार्ड की जो हत्या हुई है, अभी कई बिंदुओं पर काम किया जाना बाकी है, टीम लगी हुई है और जल्दी कांड पर ध्यान किया जाएगा। सर, ये यहाँ पे 5 बजे कुछ लोगों ने देखा था उसको, फिर किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, फिर 6:15 बजे तो उन लोगों से पूछताछ हुई है जिन्होंने सबसे पहले तमाम पहलुओं पे विचार किया जा रहा है। किस नतीजे पे सर केस पहुँची है अभी तक? अभी बहुत सारे बिंदुओं पे काम किया जा रहा है, अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे। ऐसा कुछ सबूत मिला है सर कि इस अपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग आए हों या फिर बाहर निकले हों रात में या सुबह, ऐसा कुछ मिला है? सारे एंगल हम लोग कर रहे हैं कि बाहर से अगर कुछ लोग एंट्री किए हैं तो जो अंदर जो गार्ड की हत्या हुई है क्या उसके परिचित थे, उनकी जानकारी में आए थे, उन्होंने बुलाया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को दुश्मनी थी और वो लोग रात में देर रात में दीवार फांद के अंदर घुसे हुए, उन तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जो इसका साथी है सर, जो इलाजरत है, वो तो सबसे बड़ा चश्मदीद है इस घटना का, उससे अभी पूछताछ नहीं की, वो बोलने की स्थिति में नहीं है क्या? कंडीशन पहले से बेहतर है लेकिन अभी स्टेटमेंट देने लायक नहीं है। सर, जांच की क्या हुआ, जांच उपरांत में पाया गया? अभी जांच करने आए थे सर, क्या क्या मिला यहाँ पे? इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, कुछ निर्देश दिए, कुछ लोगों को काम करना है,
जल्दी इस केस का खुलासा करके आप लोगों को फिर पूछताछ। सर, इसके कमरे से साड़ी भी बरामद की गई है, कुछ महिला के कपड़े हैं, लेकिन क्योंकि इसकी बहन यहाँ काम करती है तो संभवतः उसके भी हो सकते हैं, उसकी भी जाँच कराई जाएगी। पैसे भी कुछ मिले हैं? जो पैसे मिले हैं 3,000 रुपये, वो बताया जा रहा है कि उसका उसका कलेक्शन है, जो डायरी में लिखा हुआ है सोसाइटी के लोगों से कलेक्शन है। सर, मोबाइल भी बरामद हुआ है, किसकी मोबाइल है वो? क्या मोबाइल जो इनका मोबाइल इस्तेमाल करते थे वही मोबाइल है, उसकी जांच हम लोग करवाएंगे, उसमें डाटा दिखवाएंगे। आज भी सर कोई पुराना मोबाइल बिना सिम वाला मिला है? वही मोबाइल है जो मिल सकता है। अच्छा, वही मोबाइल है। चलती कार में लगी अचानक आग, अफरा तफरी का माहौल। मामला तिलका मांझी थाना क्षेत्र के कचहरी चौक के समीप NH-8 का है। भागलपुर में चलती कार में अचानक आग लग गई, कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताते चले कि कार में आग लगने का मुख्य कारण था इंजन का काफी गर्म हो जाना। इंजन में लगी आग बुझाने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। किसी प्रकार की घटना तो नहीं घटी, लेकिन यह बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। समय रहते सभी उस कार से जल्दी बाहर निकले और फिर निजी होटल के समीप चालक ने कार रोका। सभी होटल कर्मियों ने अग्निशमन यंत्र से बुझाई आग। 0 माइल से स्टेशन की ओर कार लेकर जा रहा कार चालक, मामले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अफरा तफरी का बना रहा माहौल। यह मामला तिलका मांझी थाना क्षेत्र के कचहरी चौक समीप NH-80 का है। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24x7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। सब पर नजर, सबकी खबर।